अस्सलाम वालेकुम। वालदा की रसोई में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे सिमइयों का जर्दा। तो हमने ये सिमइयाँ ली हैं, टुकड़ों वाली सिमइयाँ हैं, टूटी हुई ये लिए हमने। ये हमारी 200 ग्राम सिमइयाँ हैं। इसके लिए हमने ये सामान लिया, ये चीनी है हमारे पास। ये हमारी 200 ग्राम सिमइयाँ हैं, तो हमने 200 ग्राम चीनी ली है। और ये किशमिश है, और ये इलायची के साथ हमने चीनी पीस ली। और ये खोया है, थोड़ा सा ये खोया 100 ग्राम। और ये हमने बादाम को भिगो दिया था, इसका छिलका हटा के इसको हमने काट लिया है। और ये काजू है, ये भी डालेंगे इसमें। और ये कलर है, हम इसे बॉईल करेंगे सिमइयों को, तो ये कलर डालेंगे, येलो कलर है। अब इसे हम भूनेंगे सिमइयों। अब हमने ये कढ़ाई रख दी, गैस ऑन कर दी है। अब हम इसमें सिमइयों को भूनेंगे। तो हम सिमइयों को इस तरह से भूनेंगे, ऐसे ही बस। इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, घी वगैरह, ऐसे ही भूनना है इसको। गोल्डन कलर आने तक इसे भूनना है मीडियम हल्की गैस पे। कहीं मीडियम करेंगे, कहीं स्लो करेंगे, इस तरह से हम इसे भून लेंगे। अब देखो ये सिमइयाँ हमारी भुन गई, एक गोल्डन कलर हो गया। बस इस तरह से करनी है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इस कढ़ाई से हमने निकाल ली सिमइयाँ। अब इसमें पानी डालते हैं। अब इसमें हम इसे सिमइयों को अपनी उबालेंगे, मतलब बॉईल करेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा लेना है, 1 लीटर पानी अच्छे से उबल जाए खुले होके। अब ये कलर भी हमने इसमें डाल दिया, येलो कलर, इसको भी डाल के। अब इसे गर्म होने देते हैं, पानी को थोड़ा उबलने देते हैं, तब उसके बाद हम सिमइयाँ डालेंगे। इसमें 1 चम्मच हम ये रिफाइंड डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारी सिमइयाँ जो चिपकेंगी नहीं, अलग अलग रहेंगी। अभी पानी में उबाल आ गया। अब इसमें हम ये सिमइयाँ डाल देते हैं, सारी सिमइयाँ जो हमने रखी थी ये हम डाल देते हैं। अभी ने इस तरह से चला, ऐसे ही ना 3-4 मिनट तक उबालना है। इस तरह से देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब देखो इस तरीके से उबल लेंगे। अब ये सिमइयाँ जो है हमारी ये गल गई, इन्हें गलाना है, नहीं तो चीनी में ये टाइट हो जाएंगी बाद में। इस तरह से ही उबालना चाहिए। देखो हो गई ना। अब इसे हम छानेंगे, छान लेंगे। अभी सिमइयाँ जो है हम इसमें छन्ने में छान देंगे, इस तरह से सारी सिमइयाँ हम इसमें डाल देंगे। ये जाली ले ले कोई सी भी, ऐसे इसमें छान दें। अब हम अपने जर्दे को जो है भगारेंगे, तो इसके लिए हमने ये कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम घी डालते हैं, देसी घी में बनाएंगे हम ये। हम पहले मेवा अपनी फ्राई करेंगे जो हमने काट के रखी थी। अब इसमें हम पहले ही डालते हैं काजू को और ये बादाम, इन्हें हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इस तरीके से। हमने इसमें किशमिश भी डाल दी। अब ये हमने एक बार में ही सारा कर लेते हैं इसे फ्राई मेवा को। अभी हमारे ड्राई फ्रूट जो है रोस्ट हो गए, अभी इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखो किशमिश भी फूल गई, कितनी मोटी मोटी हो गई। अब इसे हम निकालते हैं। अब इसे हमने निकाल लिया, इसमें थोड़ा घी और डालते हैं। ये हमने 2 चम्मच घी और डाला है। अब इसमें हम ये 2 इलायची डालते हैं। अब इसमें हम ये सिमइयाँ डालते हैं। अब ये सिमइयाँ हमने डाल दी इस तरह से, ये घी में इन्हें थोड़ा रोस्ट। अब इसी में हम अपनी चीनी डाल देंगे। ये चीनी जो हमने रखी है ना, आपके पहले थोड़ी डालते हैं। इस तरह से हम इसे मिला देंगे। अभी देखना ये अलग अलग हो जाएंगे सारी।
छीन डालते हैं, जो बची ये भी डाल देते हैं। हमने उतनी ली थी नाप के, जितनी हमारी सिमैया थी उतनी हमने छीन ली बराबर की। इस तरह से इसे मिक्स कर देते हैं। अब हमने इसे मिक्स कर दिया, अब हम मीडियम गैस करके इसको ढक देते हैं। 2-3 मिनट के लिए इसे दम में रखेंगे ऐसे, उसके बाद देखें। अब इन्हें हम देखते हैं, देखो ये इस तरह से देखना है, ये देखो इनका पानी सूख रहा है, इस तरह से सूखना है, बीच में से देखते हैं। अब ये बस हो रही हैं, खुशक हो जाएंगी, अभी हम गैस बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए और रखते हैं। जैसे जैसे हम जल्दा बनाते हैं चावल का, इसी तरीके से ये भी बनता है। अब हमने जो मेवा हमने रखी थी, हमने रोस्ट करके ये भी डाल देते हैं। थोड़ी सी बचाते हैं, अब देखो, अब देखो पानी बिल्कुल नहीं है, अब हमारा ये जो है बन गया जल्दा। अब इसको गैस को बंद कर देते हैं हम, अब दिखाएंगे अभी। अब देखो ये बन गया हमारा जलता, देखो कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत खुशबूदार बना है। आप भी हमारे तरीके से बनाएं, देखो अलग अलग है हमारी सिमैया सारी, देखो बिल्कुल अलग अलग है एक एक, देखो हम जहाँ से मर्जी आए उठा सकते हैं ऐसे, इस तरीके से नहीं चिपक रही है। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी है, आप भी हमारे तरीके से बनाएं और खाएं, और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारा हौसला अफजाई करें, और हमें बताएं कमेंट में हमारी ये रेसिपी कैसी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। दूसरी रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।